नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव अंतिम चरण का मतदान अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। ऐसे में अंतिम चरण में यहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जान झोंक दी है। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, कल ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली और उसी आधार पर आगामी चुनाव रणनीतियों की यहाँ पर पटकथा कहीं ना कहीं तमाम राजनेता लिखते हुए नजर आए। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन की तमाम रैलियों को अलग अलग जगह पर संबोधित करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। इस बीच कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए और वहां पर उन्होंने ध्यान अर्पित करने के लिए अपना शिविर लगाया। इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूटिंग पर जा रहे हैं, चुनाव के बीच देश की जनता के मुद्दों को छोड़ करके शूटिंग पर जाना प्रधानमंत्री की आदत में शुमार हो गया है और लगातार वह इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह हिमालय की गुफाओं में ध्यान अर्पित करने के लिए चले गए थे और अब समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाने जा रहे हैं। सुनिए किस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव PM मोदी पर कड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हड़वा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये 3 महबूबा मोदी जी की चुनाव हड़वा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पर लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पर लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। PM कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे कन्याकुमारी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को जो कहते नजर आ रहे हैं कि देश भर में तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में BJP को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव के बयान क्या वाकई में धरातल के मुद्दों पर असर डाल पाता है और क्या अंतिम चरण में बिहार में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वहाँ इंडिया गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।